लेके जा रहे हैं आपको छोटा सा गांव पकड़ैल महसपुर के अंतर्गत महसपुर थाना के अंतर्गत आता है। ये एक पंचायत है और यहाँ विश्वकर्मा मेला लगा है। धूप बहुत है वहाँ पे। जाने से पहले ये पकड़ेल गांव है तो साइड में हमने देखा सोडा का एक अपना ही दोस्त है फ्री में पिलाएगा तो ये देख सकते हैं ये अपना लगा रहे हैं सेटअप जो है। आप अंदर का दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्या। तो भाई दो ग्लास लगा दो। ठीक, मेला के बाहर हमारे दोस्त साहब हैं जो कि सोडा का ठेला लगाएंगे। और इधर देखो भाई, तो ये हमारे दोस्त साहब जो ठेला लगाएंगे सोडा का मेला में। तो चलिए हम लोग आ गए हैं बाबा के शरण में बैठे हुए। थोड़ा सा राहत है, मंदिर पे पंखा भी है और बैठे हुए हैं। और मेला आपको लेके चलेंगे, अभी दिखाएंगे। फिलहाल फाइनली मैं आ चुका हूँ पकड़ैल, जो कि महसकुट थाना के अंतर्गत आता है। और यहीं पर मेला लगा हुआ है विश्वकर्मा बाबा का। और ये मेरे भैया हैं, वो भी भैया देख सकते हैं लोग आए हैं आपको घुमाते हैं मेला। और ये बाबा सामने में, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं दुकान भी है, और ये बगल में भी दुकान है, आप देख सकते हैं। दोपहर को जैसे काफ़ी कम लोग आए हैं यहाँ पे, और जैसे शाम होगा भीड़ बढ़ जाएगा और लोग मेला का आनंद लेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि 2-2:30 बजे से काफ़ी भीड़ हो जाएगी शाम ढलते ही। अभी धूप भी है और थोड़ा गांव वाला माहौल है। जब सब लोग आएंगे सब घूमने, तो तुमको बोला कल क्या बोला? कल बोले थे शाम को आएंगे, शाम को आएंगे तो इससे तो इन लोगों का कहना था कि जिस दिन बैठे थे बाबा, उस टाइम आते तो कुछ और भी क्रेजी देखने के लिए मिलता, डांस भी होता है यहाँ। जो बच्चे लोग नाटक करते हैं वो चीज़ दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। जहाँ देखिए मेरे पीछे ये वाला विश्वकर्मा मेला समिति, विश्वकर्मा नगर पकड़ैल है, ठीक ना। तो यहीं पे बच्चे लोग नाटक करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, जो ताकि हर्षोल्लास से मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा। देख सकते हैं ये बच्चे हैं मंदिर पे। की नाम छियो? एक नाम तोर नाम की छियो? की नाम छियो? तो इसका नाम है सत्या। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम की चाहिए तो इसका नाम कृष्ण। और ये देखिए इसका नाम, तुम्हारा नाम क्या? अजय। इसका नाम अजय। तो चलिए सबका सब रिएक्शन दे चुका हूँ, या कुछ कहेंगे आप? हाँ, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी हमारे साथ मेला एंजॉय कीजिए। हाँ, और सपोर्ट भी आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्यार नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा शेयर किया कीजिए वीडियो, लाइक भी किया कीजिए। ये आप देख सकते हैं दुकान है मेला में, कुछ दुकान है आप देख सकते हैं। और अभी भीड़ लगेगा कुछ शाम टाइम, और बच्चे काफ़ी हर्षोल्लास से। और ये देखिए दुकानदार हैं, और ये कुछ सोए हुए हैं, और ये सब जग जाएंगे तकरीबन 3-4 बजे सब जग जाएंगे, क्योंकि आने लगेगा। ये देखिए यहाँ प्रसाद भी मिलता है, और ये देखिए आप ले सकते हैं यहाँ पे चैनल। और ये देखिए चश्मा उस्मा भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। छोटा सा मीना बाजार भी है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। एक आदमी ने रमन ये देखिए, ये देख सकते हैं। और ये लोग ग्राहक का इंतजार करते हुए, जैसे ही शाम होगा ग्राहक आने लगेंगे। और ये मिठाई भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, देख सकते हैं जिलेबियाँ।
क्या देखिए यहाँ मेला में कचड़ी मुढ़ी भुंजा चौमीन ये सब ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक ना। और यहाँ विशेष से मिठाई देख सकते हैं आप, रेडी हो रहा है क्योंकि अभी शाम होने वाला है तो फिर ग्राहक आएंगे। लोग अमूमन सी बात है कि लोग यहाँ पे आएंगे और कोशिश करेंगे तो अच्छा मेला का क्या यहाँ स्थिति है कि आता है मतलब देखने श्रद्धालु आता है, क्या भीड़ लगता है शाम में, कितने कितने बजे से शाम आता है? चार। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि 4 बजे से लगभग आ जाता है, तो जैसे कि दुकानदारों का कहना है कि 4 बजे लगभग यहाँ भीड़ लगने प्रारंभ हो जाता है, तो जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं सभी आते हैं और दूर से भी इनको पता है वो भी आते हैं। तो विनती है कि जिसको जिसको नहीं भी पता है वो मेला देखने के लिए ज़रूर आएँ। तो आप देखते इधर झूला नहीं लगता है, झूला फिलहाल नहीं लगता है, छोटा छोटा भी झूला नहीं लगता क्योंकि छोटा गाँव है इसलिए गाँव परिवेश में नहीं लगता। हाँ लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा जो कि नाटक को बढ़ावा दिया जाता है तो यहाँ नाटक ज़रूर होता है। चलिए ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और लाइक सब्सक्राइब दबा के मारिए। तो जय हिंद। और वहाँ मेरा बाइक इंतज़ार कर रहा है अब जाने के लिए, तो जय हिंद। तो देखते हैं ये बच्चा है, देखिए अभी कोई गाड़ी लेके आ रहा है मतलब ट्रक इस टाइप का। मैं भी बचपन में जो है ना सोचता था तो चलिए ठीक है, गर्मी भीषण है, हम लोग चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि 4 बजे लगभग सभी ने ग्राहक भी सॉरी दुकानदार भी बताया कि 4 बजे लगभग भीड़ बढ़ जाती है मेला में, श्रद्धालु आने लगते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और कुछ कहेंगे आप लोग? बढ़ने से बड़ा प्रिय लग रहा है। और ये जो मेला है आज आखिरी दिन है मेला का, मौका मिले तो ज़रूर आइएगा और इन्जॉय कीजिए। बाकी गर्मी को मिटाने के लिए हम लोग आइसक्रीम खाने वाले हैं। कौन लीजिएगा? इधर दिखाओ खाते हुए, फोन पे लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, फोन पे नहीं लेते हैं, चेंज है, चेंज है। तो फाइनली हम लोग ले चुके हैं कौन और इस कौन का लुत्फ़ उठाते हैं ये चिलचिलाती हुई धूप में। ऐसे उतना ठंडा नहीं खाना चाहिए बट फिर भी खाना पड़ेगा यार। तो ये सब स्टार्ट हो गए, बस मैं ही बाकी हूँ तो मैं भी ओपन करता हूँ। चलिए तो जैसा मेला अभी हम लोग दोपहर में आए तो ज़्यादा लोग नहीं है, मेला ठीक से लगा नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया, मैं मेला से बहुत खुश हूँ। मेला में जितना दुकान लगा है कम से कम नहीं तो 80+ दुकान, 100 दुकान है कुछ, सब दुकान मिला के आप बोलिए। और शाम में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा लोग रहेंगे श्रद्धालु, जैसे ही भीड़ बढ़ेगा श्रद्धालु आएंगे तो अमूमन सी बात है कि मेला में किसी को घूमने में अच्छा लगेगा, भीड़ है मेला में। तो बस जाते जाते हम लोग यहाँ का पानी पूरी खाएँगे और फिर वापस अपने घर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा हम लोग को। बस मेला हम दोपहर को जैसे मेला उतना अच्छा से लगा नहीं था, लोग कम हैं लेकिन तैयारी सब कुछ हो चुकी है, शाम होते ही यहाँ पे भीड़ हो जाएगा लोगों का और मज़ा भी दुगना हो जाएगा। बता दो टेस्ट के बारे में।
कैसा है टेस्ट? मुंह क्या छिपाया है?